गोहाना मोहम्मदपुर रोड पर देर रात दीवार और धागा बनाने वाली रहीहंत नाम से फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान व मशीनें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के बाद 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री के आसपास के मकानों को भी खाली करवा दिया गया। फैक्ट्री मालिक अनिल ने बताया कि रात को वो अपना काम खत्म करके घर चले गए थे कि रात करीब 10 बजे फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों का फोन आया कि फैक्ट्री में आग लगी है। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंच कर देखा तो आग सारी फैक्ट्री में फैल चुकी थी। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन आग लगने से उनकी फैक्ट्री में रखा सामान और लाखों की मशीनें जलकर राख हो गई हैं। आग इतनी बड़ी थी कि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग फैक्ट्री के आसपास के घरों में भी फैल सकती थी। मौके पर पहुंचे गोहाना फायर ब्रिगेड के अधिकारी रमेश ने बताया कि मोहम्मदपुर रोड पर धागा व दीवार बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन आग ज्यादा भड़क जाने की वजह से 2 गाड़ियों को और सोनीपत से बुलाना पड़ा। मैं मुतपुर रोड पे है जी, मैं अरिंद्रवार फैक्ट्री से हूँ। तो ये हमारी फैक्ट्री है अरिंद्रवार फैक्ट्री, इसमें एकदम से जो है ना कार्यक्रम फोन आया रात को कि आग लगी। हम भागे भागे आए तो यहाँ देखा तो सब कुछ जला पड़ा है, मेरा तो कूड़ा का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड वाले के पास गए तो उन्होंने सर्वे गाड़ी आई, उससे भी नहीं बुझ पाई, कई चक्कर लगा चुकी है, उससे बुझ नहीं पा रही है। अब सोनीपत से कहने गाड़ी आएगी, पता नहीं कब आएगी, 1 घंटा हो गया जा कर रहे हम। और मेरा तो कूड़ा का नुकसान हो गया है, सब बिल्डिंग पड़ गई है, शेड सब कुछ खत्म हो गया है मेरा तो। लग गया जी मोहनपुर रोड पे, अरे अरियंत की फैक्ट्री है, इसमें जैसे फैक्ट्री चल रही थी सारा दिन की चल रही थी, अभी शाम को लगी है इसमें आग, पता नहीं अब वार्निंग से लगी है कैसे लगी है, और करोड़ रुपए का माल जल गया इसका। मैं रमेश कुमार गोहाना फायर ब्रिगेड इंचार्ज, अब आग की सूचना मिली थी यहाँ मोहनपुर रोड पर दीवार फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। तो आग की सूचना मिलते हम मौके बाद आग यहाँ आकर देखा, बहुत ज़्यादा आग लग रही थी, और हमने 2 गाड़ी सोनीपत फायर ब्रिगेड से मंगवा दी है, 1 गाड़ी गोहाना की है, और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग लगने का कोई कारण पता नहीं चल पाया। आज न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।